दोस्तों आदाब, पस मंजर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं बजाज बुखारी और आपको खबर दिखा रहे हैं हम पुंछ से। आज पुंछ में भारतीय जनता पार्टी की स्टेट कैडर की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की जो बढ़ाइयां हैं, जो बेहतर काम उन्होंने मुल्क में किए हैं वो बताए गए। और वहीं पस मंजर न्यूज ने जो इसरिया की प्रॉब्लम थी वो भी उनके सामने रखी और सवाल किए कि किस तरीके से आवाम को बेहतरी जो है वो मिल पाएगी। आइए आपको दिखाते हैं। और मेरे साथ हमारे साहब भी बैठे हैं, हमारे लोग पार्टी के लीडर्स भी बैठे हैं, तो ये बातें जो आप उठाएंगे ये इस पे बाकायदा हम करेंगे नहीं, एक्शन भी करवाएंगे। सर, इसमें जो निरेगा की अगर बात करें, निरेगा में आपने उसे ऑनलाइन भी अब सिस्टम को कर दिया है, सिस्टम बेहतर हो रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन सिस्टम में पैसे की बड़ी कमी है। इस वक्त जो है बहुत लेट हो के पैसा आता है और लोगों की काफ़ी लाइबिलिटीज भी पड़ी हुई हैं, तो इस सिस्टम को आप किस तरीके से देखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइबिलिटीज हैं इस एरिया में। मैं आपसे कहूंगा कि जब हमारे सेंट्रल मिनिस्टर जो है वो स्टेट में आए, ये निरगा की जो आपने बात की, आगे जो फंडिंग थी वो 1000 करोड़ रुपया थी, उन्होंने यहाँ आकर काम देखकर, क्योंकि आज जियो टैगिंग का जमाना है, आप कभी भी ऐसे काम नहीं कर सकते हो कि पुराना काम कोई लिखवा नहीं सकते हो, क्योंकि जो नज़र है दिल्ली वालों की हमेशा से, छोटे छोटे काम पर भी दिल्ली वालों की नज़र होती है। मैं आपसे कहूँगा कि गवर्नमेंट ने 2200 करोड़ रुपया जो है डबल से भी ज़्यादा स्टेट को दे दिया है और मैक्सिमम लोगों की फंडिंग जो है, जो पैसा रुका हुआ था वो हो रहा है और सबको जो है काम जो है, आप कोई भी काम जो है, जो पंचायतों में निरगा के हैं, जो MG निरगा के, कोई भी काम जो है वो रुक नहीं रहा है और ज़्यादा तेज़ी से वो काम बढ़ रहे हैं जो है, वो संभल के काम कर रहे हैं, तारीफ के काबिल जी। बजाज, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि हम आप ये हायर अथॉरिटीज तक ये चीज़ें पहुंचाएंगे भी अपनी भारतीय जनता पार्टी की, और जिस तरीके से ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है और इसमें जो टेलीकम्युनिकेशन का जो नेटवर्क है यहाँ पे वो बड़ा इस वक्त अच्छा नहीं है, और एक तरफ से आपने डिजिटल इंडिया भी कर दिया, सारी चीज़ें ऑनलाइन होगी और लोग दो दो चार चार घंटे बैंकों में भी वेट करते रहते हैं, दूसरी जगहों पर भी, तो इन चीज़ों को अगर आपने डिजिटल इंडिया किया है तो फैसिलिटी जो है वो भी दी जाए लोगों को, ताकि लोग उससे प्रॉब्लम में ना। बिल्कुल, आपको देखिए, कल से मैं यहाँ हूँ, मैंने खुद भी महसूस किया, मैं यहाँ पहले रह भी चुका हूँ, लेकिन मुझे अफसोस, मैं भी सच में ये देख रहा हूँ कि क्यों नहीं ये चीज़ें सामने आई हैं, इस कदर भारत जो उठ रहा है, तो ये हमारा बॉर्डर इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, जो कि जहाँ पे लोगों ने अपने एक क्या कहते हैं यकजहती के साथ इतनी अच्छी लड़ाई मिलिटेंसी भी दी है, एक दोनों ने मिलकर, और आपसी भाईचारा है इतना जबरदस्त है, और यहाँ भी कुछ मुझे मालूम पड़ी है, जैसे पावर का है आपका, जैसे टेलीकम्युनिकेशन का, सचमुच ये मसला मैं चाहते ही उठाऊंगा। अच्छा है आपने बात कर दी, लेकिन ये बिल्कुल उठाएंगे और सोऊंगा ना, खुद खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा। बजाज साहब, अगर बात करें, ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है और इस बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे जेनरिक जो है मेडिसिन की शॉप खोली जा सकती हैं, और इसे गवर्नमेंट अगर चाहे तो इस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो ये जो दूसरी दवाइयाँ खरीदें, तो कोई ऐसी चीज़ आप इसके लिए कर सकते हैं कि एक जेनरिक मेडिसिन की यहाँ पे एक शॉप खुलवा दें गवर्नमेंट लेवल पे? ये बड़ा अच्छा सुझाव है, मुझे मालूम नहीं है किस तरह किया गया है, लेकिन आपकी तरफ से है, क्योंकि मीडिया जो है अलर्ट होता है, उससे ज्यादा पता होता है, ये एक अच्छा सुझाव है, बाकायदा ये आगे पहुंचाया जाएगा कि ये जो प्राइम मिनिस्टर जन औषधि योजना है उसकी स्कीम्स खोली जाए उनके लिए, बहुत अच्छा सुझाव है, आप प्लीज नोट करिए। ये दे रहे इसमें थोड़ा सा, ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी एक्सपेंडिंग हुई थी, 44 जो है वो जर्निंग जो शॉप्स है वो खोल ली, तुमने सहयोग जो दिल्ली की एक फर्म है उसने खोल ली, उसमें पुंछ की भी जो है वो हो गई है, सुरम कोर्ट में, पुंछ में और मैंडर में, जल्दी ही ना इसमें काम जो है वो तेजी से हो रहा है और जल्दी ही शॉप जो है सुरम कोर्ट, मैंडर और पुंछ में भी खुलने वाले। इनका इन्होंने बॉर्डर का कहा है खास करके, तो जो जहाँ पे फायरिंग हो रही है, शेलिंग हो रही है।